इस रफ्तार में इतना ही, हम खबरों के लिए देखते रहिए सीन भारत। शिप्रा नदी का जलस्तर हुआ कम, नगर निगम के कर्मचारी सफाई करने पहुंचे, जेसीबी डंपर से कचरा फेंका जा रहा, श्रद्धालु का रामघाट पर आगमन शुरू हो गया। मीना में ओवर ब्रिज रोशनी से जगमगाया, गांधी तिराहे पर स्थित ओवर ब्रिज का उद्घाटन किया गया, ब्रिज पर रोशनी न होने की वजह से लोग परेशान, ओवर ब्रिज पर स्ट्रीट लाइट चालू कर दी गई। पन्ना में प्रदेश में विकास की एक बार फिर खुली पोल, गांव तक जाने के लिए रास्ता नहीं, रोजाना ग्रामीण होते परेशान, खाट पर बैठाकर मरीज को ले जाने को मजबूर ग्रामीण। छतरपुर में दिव्यांग ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, 3 सालों से कार्यालय के चक्कर काट रहे थे दिव्यांग ने न्याय की लगाई गुहार, दबंगों ने दिव्यांग की जमीन पर कर रखा है कब्जा। भोपाल में प्रकोष्ठ और मोर्चा की सदस्यता अभियान को लेकर बैठक, लोकतंत्र बचाने में बीजेपी की भूमिका है, सीएम यादव ने कहा कांग्रेस हमेशा झूठ बोलकर काम करती है। छतरपुर में सत्यापन कार्य किया जा रहा, बीएलओ ऐप का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ऐप का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ, 2 हिस्सों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रदेश में निवेश को लेकर मिला अच्छा रिस्पांस, राज्य सरकार रोजगार सृजन के लिए लगातार प्रयासरत, ग्वालियर के सफल आयोजन के बाद सागर रीवा में आयोजन। छतरपुर में केंद्रीय मंत्री ने 178 आवेदनों पर की सुनवाई, छतरपुर में जिला स्तरीय जन सुनवाई सम्पन्न हुई, प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि खाते गांव में शराब ठेकेदार की मनमानी, नियमों के विरुद्ध शराब बेच रहे ठेकेदार, आबकारी विभाग द्वारा नहीं की जा रही कार्रवाई। इंदौर में एक पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है, इस पोस्टर में जल भराव प्रतियोगिता का किया गया जिक्र, जिस क्षेत्र में ज्यादा जल भराव हुआ उसे सम्मानित किया जाएगा। उज्जैन में झोलाछाप डॉक्टरों पर हुई कार्रवाई, 2 क्लिनिक को किया गया सील, एक अन्य क्लिनिक को अल्टीमेटम दिया गया, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने की कार्रवाई। इंदौर में जिला और निगम प्रशासन ने दिखाई सख्ती, बेसमेंट में चल रहे कोचिंग के बाद अब 1100 बिल्डिंग को किया गया चिन्हित, पार्किंग के बजाय अन्य गतिविधियां संचालित होने पर होगी कार्रवाई। दिग्विजय सिंह ने पीएम और सीएम से मांग की, सोयाबीन की फसल के दाम 6000 रुपए प्रति क्विंटल करे, 2011 से लेकर आज तक सोयाबीन का वही का वही भाव। दामनोद में पुलिस ने पिता पुत्र को थाने बुलाया, चोरी की वारदात को लेकर पूछताछ की, कुछ दिनों बाद पुत्र का शव नर्मदा मिला, परिजनों ने शिकायतकर्ता पर कार्रवाई की मांग की। बैतूल में शासकीय अस्पताल की साजिश के चलते आदमी बना बुंदवा मजदूर, शासकीय अस्पताल में गर्भवती महिला को डर बताकर किया रेफर। दामनोद में ग्राम गुजरी में बदमाशों के हौसले बुलंद, महिला की सोने की चेन छीनकर भागा बदमाश, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत हुई, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसकी शुरुआत की, निवेशकों ने प्रदेश सरकार पर भरोसा जताया, इन्वेस्टर समिट प्रदेश में रोजगार बढ़ाएगी। उज्जैन में घर घर विराजमान होंगे मिट्टी के गणेश, लोकमान्य तिलक गणेश समिति द्वारा बनाए जा रही मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति बनाने के कारखाने का किया निरीक्षण, कलेक्टर एसपी और विधायक ने किया निरीक्षण। शिवपुर के बड़ौदा नगर का मामला, परियोजना का ग्रामीणों ने किया विरोध, बारिश के पानी का उंडा खाड़ नाले में डाले जाने की परियोजना, कलेक्टर पर प्रदर्शन करके दिया ज्ञापन। सिरमौर में पार्षद पद के लिए उपचुनाव हो रहे, भाजपा उम्मीदवार उर्मिला सिंह ने नामांकन जमा किया, बीजेपी जिला अध्यक्ष भी उम्मीदवार के समर्थन में पहुंचे। दमोह के शिक्षक का होगा सम्मान, माधव पटेल होंगे राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित, 5 सितंबर को राष्ट्रपति पुरस्कृत करेंगी, बीते 17 सालों से शिक्षण कार्य करा रहे माधव। एमपी में महिला कांग्रेस का हंगामा, भोपाल में बैरिकेड्स तोड़कर दौड़ गई महिला कार्यकर्ता, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी सहित कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद, कांग्रेस नेत्रियों ने जमकर प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। बरही में मुस्लिम समाज ने सौंपा ज्ञापन, धार्मिक भावनाओं आहत होने की बात कही, मुस्लिम समाज ने राज्यपाल के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन, संत रामगिरी महाराज पर कार्रवाई की मांग की गई। भोपाल में यूपी के चोरों ने भोपाल में बनाया साम्राज्य, 54 लाख रुपए कीमती मशरू का जब्त किया, आरोपियों से 15 वारदातों का सामान भी जब्त किया गया। भोपाल में 3 दिन से एक्टिव स्ट्रांग सिस्टम, अब हुआ कमजोर, राज्य में अगले 2 दिन कहीं भी तेज बारिश का अलर्ट नहीं, 2 दिन तक कुछ जिलों में धूप भी निकलेगी, एमपी के लगभग सभी डैम 90% से अधिक भरे। सागर में केंद्रीय जेल में बंद युवक के परिवार वालों ने लगाया आरोप, परिवार वालों ने जेल प्रबंधन पर मारपीट के आरोप लगाया, जेल प्रबंधन मारपीट के आरोपों का निराधार बता रहा। सिंगरौली में लूट के आरोपियों के घरों पर चला प्रशासन का बुलडोजर, अवैध रूप से बने मकानों को तोड़ा गया। इंदौर में वार्ड 83 की खाली हुई पार्षद सीट, कांग्रेस ने विकास जोशी को अपना प्रत्याशी बनाया, बीजेपी प्रत्याशी जितेंद्र राठौर ने पर्चा दाखिल किया, बीजेपी को इस उपचुनाव में मिलेगी बड़ी जीत। उज्जैन में पशुपालन विभाग में दिव्यांगों की भर्ती की जाएगी, दिव्यांगों को रोजगार देने के लिए योजनाएं तैयार की गई, योजना का लाभ दिव्यांगों को मिलना शुरू हो चुका है, 48 आवेदनों में से 2 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इंदौर में फरियादी ने कार चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जांच में फरियादी की वारदात ही आरोपी निकला, तिलक नगर थाना क्षेत्र का पूरा मामला, कर्ज में होने के चलते झूठी कहानी गढ़ी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कृतिका शर्मा और आप देख रहे हैं सिन भारत। आइए, वक्त हो चला है इस सिन रफ्तार का।